आप सबको मैं 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज 74वां गणतंत्र दिवस है तो उसके लिए तो देखिए पकौड़ी बिल्कुल करारी बन रही हैं, बहुत ही करारी। देखिए हमने क्या लिया है अभी अभी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने पूजा कर ली है और पिठाई वगैरह भी लगा दी है। अब मैं आपसे प्रेयर करती हूँ कि आप सबके घर में धन धान्य यश ऐश्वर्य और ज्ञान की वृद्धि हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज है कुछ खास वीडियो, जैसे थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, और मैंने पहने हैं पीले कपड़े। तो मैं बताऊंगी मैंने आज पीले कपड़े क्यों पहने हैं। टाइम हो गया है 9, तो सुबह मैं उठ नहा धो के तैयार हो गई थी, स्कूल भेज लिया है और हस्बैंड भी चले गए हैं ड्यूटी। तो अभी मैं करूंगी माँ सरस्वती की पूजा और बसंत पंचमी के बारे में आगे बताऊंगी आपको। तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ, मैं फटाक से पूजा कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपको आगे। फ्रेंड्स कर ली है मैंने आरती, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स दिया मैंने जला दिया है और फटाफट से मैं पूजा करती हूँ। तो मुझे दिया दिखाना था आप लोगों को कि मैंने बत्ती जला दी है, तो मिलती हूँ आपको आगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने पूजा कर ली है और पिठाई वगैरह भी लगा दी हैं। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि बसंत पंचमी क्यों है उत्तराखंड में खास। और मैं जैसे कि अभी तो मेरी घर वाली वीडियो आने बाकी हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारी वीडियो शूट करी थी और मैं आ गई हूँ ऋषिकेश। तो यहाँ पे जो भी होगा मैं पिक्चर दिखाऊंगी आपको, क्योंकि वो चीज़ मैं करके नहीं दिखा सकती, यहाँ पे मेरे पास वो चीज़ें हैं नहीं। तो मैं बताऊंगी आपको कि बसंत पंचमी में उत्तराखंड में क्या क्या करते हैं, तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ। तो चलो बताती हूँ आपको आगे। तो आज के दिन मैंने बनाई थी पूरी पकौड़ी और छोले बनाए थे सुबह, क्योंकि मनन को भी देर हो रही थी तो मैं रात से ही पूरी व्यवस्था कर दी थी छोले की, और मनन तो स्कूल चले गया है। और मैं अगर वीडियो बड़ी होगी तो मैं 26 जनवरी वाली वीडियो, क्योंकि मेरे पास एक क्लिप है मनन के स्कूल की, रेड फोर्ट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की, उन्होंने आज़ादी के महोत्सव पर बहुत अच्छा सा नाटक किया था, तो मैं वो नाटक आज आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि तब तक मैंने अपना चैनल नहीं बनाया था तो मेरे पास वो वीडियो थी। तो मैं आज उसी वीडियो को डालूंगी, क्योंकि कल मैं 26 जनवरी को नहीं गई थी मनन के स्कूल में, वहाँ पे ही कार्यक्रम तो हुआ था लेकिन मैं नहीं गई किसी कारण से, क्योंकि देर हो रही थी, बसंत पंचमी भी थी तो उसी की तैयारी में मैं लगी थी। तो आज के दिन उत्तराखंड में ऐसा माना जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पीले वस्त्र पहनते हैं, इसीलिए मैंने पीले कपड़े पहने हैं, मान्यता है कि पहनते हैं। और थोड़ा सा मैं बसंत पंचमी के बारे में बताना चाहती हूँ आपको कि बसंत पंचमी उत्तराखंड में क्यों मनाई जाती है और उस दिन सरस्वती माँ की पूजा क्यों की जाती है। मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को माँ सरस्वती का जन्म हुआ था या प्रकट हुई थी और देवताओं ने उनकी स्तुति की थी। तो ये माना जाता है कि आज के दिन सरस्वती माँ का जन्म हुआ था, तो हम इसलिए सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, जिससे हमारे घर में धन धान्य सरस्वती हमें विद्या और धन ऐश्वर्य की वृद्धि करे, इसलिए हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। और जिस प्रकार माँ सरस्वती ज्ञान दूसरों को बांटती है, उसी प्रकार से माँ सरस्वती हम सबको भी ज्ञान दें। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी माँ सबको विद्या दान करे। मैं माँ सरस्वती से प्रेयर करती हूँ कि आप सबके घर में धन धान्य यश ऐश्वर्य और ज्ञान की वृद्धि हो। और इसी के साथ मैं माँ सरस्वती की पूजा करके आई हूँ और आप सबके लिए भी प्रार्थना करके आई हूँ मैं माँ सरस्वती से। उत्तराखंड में इस दिन बहुत सारे पकवान बनते हैं, हमने तो ज़्यादा नहीं बनाए लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ बनाते हैं जो भी हो सकता है। और इस दिन क्या होता है कि सुबह सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो जाते हैं। और जब हम छोटे थे तो मैं अपने नानी गांव में रहती थी, तो मेरी नानी सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के हम पे टीका कर देती थी। ऐसा माना जाता था कि किसी का मुंह नहीं देखना है उस दिन, सबसे पहले नहा धो के और भगवान जी को टीका अर्पण करके, और बच्चों क्या फैमिली में जितने भी लोग हैं सबको टीका करना होता है, तो मेरी नानी करती ऐसा करती थी। और ऐसा भी कहा जाता था कि आज के दिन ऐसा करने से हमें सांप वगैरह नहीं दिखते हैं,
तो ये कुछ मान्यता है, पता नहीं सच है कि नहीं है, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन इस दिन क्या करते हैं कि गंगा जी से गंगा जल लेके आते हैं, या किसी पवित्र जगह से भी जल लेके आते हैं, तो घर में उसको छिड़क देते हैं पूरे घर पे। और जब गांव में लिपाई वाले घर रहते थे, तो उनको पूरा लिपाई पुताई करके और उसके बाद नहा धो के भगवान जी की पूजा की जाती थी। और जो इस वर्ष की नई फसल होती है, हमारे यहाँ सबसे पहले जौ होता है, तो उसको भगवान जी को अर्पण किया जाता है, और गाय का गोबर लेके दरवाजों पे लगाया जाता है और उस पे जौ लगाए जाते हैं। क्योंकि मैं अभी हूँ ऋषिकेश में, तो नहीं दिखा पाऊंगी आपको, गांव में रहती तो मैं दिखाती आपको कि कैसे लगाते हैं, पर मेरे पास कुछ पिक्चर होंगी तो मैं वो आपको साइड में अटैच कर दूंगी। और वैसे गांव में ये भी माना जाता है कि गाय का जो बच्चा होता है, छोटी बच्ची, तो उस बछड़े का गोबर लिया जाता है, तो वही हम लोग लगाते हैं, शुभ माना जाता है। तो आइए, छोटी सी, मतलब इतना जो भी मुझे पता था बसंत पंचमी के बारे में, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर इसमें कुछ भी कमी पेशी होगी तो प्लीज आप लोग मुझे बताना, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपके यहाँ कैसे मनाते हैं बसंत पंचमी। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने जो थोड़ा सा वीडियो क्लिप मैंने बनाई थी पकोड़ी बनाते हुए, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी मैंने क्या बनाया आज। तो चलिए देखिए हमने क्या लिया है अभी अभी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने एक प्लांट लिया है बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पे, एक प्लांट लिया था मैंने, वो भी पीले कलर के फूल का। तो यहाँ पे देखिए, मैं पकौड़ी पूरी आलू प्याज काट के पकौड़ी बना रही हूँ, और ये मैंने डाल भी दिया है। तो मैं यही दिखाना चाहती थी कि मैंने थोड़ा सा पकौड़ी बनाई थी, और पूरी पूरी वाली वीडियो मैं नहीं बनाई। सुबह बहुत देर होता है तो वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हस्बैंड की भी ड्यूटी रहती है और बच्चे का स्कूल। तो थोड़ा सा बनाया था मैंने, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसमें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं छोटे ही रखूंगी, मुझे 26 जनवरी वाली वीडियो डालनी है, क्योंकि वो 7 मिनट का तो वही नाटक है, तो बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं इस वीडियो का यहाँ पे एंड करती हूँ। आप सबको मैं 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज 74वां गणतंत्र दिवस है, तो उसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ, और आप लोगों को फिर से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।